धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज हम बात करने वाले हैं अमलाकी एकादशी के बारे में। देखिए अमलाकी एकादशी जो है ये जल्दी आने वाली है तो इसकी तिथि और मुहूर्त के बारे में तो बात करेंगे मगर साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके पीछे की कथा क्या है और खासकर कैसे अमलाकी एकादशी जो है वो बनी। तो शुरुआत करते हैं अमलाकी एकादशी की जो तिथि है वो है फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब इसे अमलाकी एकादशी के अलावा रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और उसके लिए हमने आपके लिए खास वीडियो जो है वो भी धर्मा लाइफ पर बनाई है, जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। अभी के लिए विष्णु जी की प्रिय अमलाकी एकादशी के बारे में जानिए। अमलाकी यानी कि आंवला जो है ये विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इसके पीछे का जो पौराणिक कारण है वो कुछ ऐसा है कि विष्णु जी के तेज से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उन्हें अपने सृजनकर्ता को देखने की बहुत लालसा हुई, उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और उनसे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें देखकर ब्रह्मा की आंखों में आंसू छलक पड़े जिनसे आंवले का पेड़ उगा। विष्णु जी ने कहा कि ये फल उन्हें अति प्रिय है और जो भी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये तो हुई आंवले की यानी कि आंवले की उत्पत्ति की कथा। आइए अब आपको आंवला एकादशी की कथा जो है वो सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक नगर था वैदिक जिसमें सभी वर्णों के लोग खुशी खुशी रहते थे। वहां का राजा भी बहुत न्यायप्रिय था। नगर के सभी लोग एकादशी पर व्रत करा करते थे। ऐसी ही एक एकादशी की रात जब नगर के मंदिर में पूजा अर्चना चल रही थी तभी वहां एक शिकारी आ गया। वो बहुत पापी था और उस समय भूखा था। केवल भोजन पाने की आशा से वो मंदिर में बैठा था मगर उसने भी सभी के संग अनजाने में व्रत कर लिया और कथा भी सुन ली। ऐसे में थोड़ी देर बाद व्रत का प्रसाद पाकर वो घर को चला गया और काफी समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस एक व्रत की महिमा से अगले जन्म में वो एक राजा के घर में पैदा हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वो बहुत ही धार्मिक और परोपकारी था। एक बार वो शिकार के लिए निकला और रास्ता भटक गया। ऐसे में वो एक गुफा में जाकर रुका मगर वहां पर अचानक डाकुओं की टोली आ गई जो कि उसको मारने को आतुर हो गई और राजा भय और यातना से बेहोश हो गया। उन्होंने उस पर अस्त्र शस्त्र सब चलाने की कोशिश की मगर आश्चर्य की बात उन्होंने वापस ही डाकुओं पर ही प्रहार किया और वो सब बेहोश हो गए। ऐसे में राजा के शरीर से एक दिव्य तेजोमयी देवी उत्पन्न हुई जिसने सारे डाकुओं का विनाश कर दिया। राजा जब उठा तो उसे समझ आया कि केवल प्रभु विष्णु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने राज्य में गया और सुखपूर्वक वहां रहने लगा। तो कैसी लगी आपको आमलकी एकादशी की कथा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।